फ्रेंड्स, मैंने एक कपड़े से, वाइट कपड़े से बनाया है एक फ्रॉक। जैसे बच्चों के कुछ फंक्शन होते हैं फ्रेंड्स, उसमें उनको ज़रूरत पड़ती है वाइट फ्रॉक की, तो उस कारण से मैंने एक मतलब ऐसे ड्रेस टाइप का ही एक बनाया है। इसमें बहुत सुंदर, देखिए इसमें स्टैंड कॉलर लगाया है और स्लीव्स भी मैंने बहुत सिंपल लगाए हैं, स्ट्रेट एकदम। और इसमें फिर नाइफ प्लीट डाल के मैंने स्ट्रेट घेरा बना दिया है इसका, ये देखिए। तो ये भी काफ़ी बड़ा फ्रॉक है, 6 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा फ्रेंड्स ये। तो ये देखिए, ये जैसे मोस्टली स्कूल में बच्चे लोग पहनते हैं ना, स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनको ज़रूरत पड़ती है ऐसे सब चीज़ों की। ऐसे बना के रखने से कभी भी कुछ भी फंक्शन होता है, फैंसी ड्रेस होता है, तो उनको बच्चों को ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फ्रंट ओपन रखा है फ्रेंड्स मैंने, इसमें आप चाहे तो हुक लगा लो या टीच बटन तो नहीं, हुक लगाना पड़ेगा, या फिर आपको अंदर साइड से जिप लगाना पड़ेगा इसको मजबूती के लिए। तो इसकी स्लीव्स देखिए फ्रेंड, मैंने एकदम सीधी स्ट्रेट बनाई है, कोई डिज़ाइनदार नहीं बनाई है, स्कूल में पहनने के पर्पज़ से बनाया मैंने तो। और फिर इसमें छोटे छोटे नाइफ प्लीट डाले हैं, ये देखिए, और सिंपल ये घेर बना के नीचे मोड़ दिया है सिंपली, ये देखिए। और ये कपड़ा आप देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर कपड़ा है ये। ये देखिए फ्रेंड्स, ना अच्छा लग रहा है फ्रॉक देखने में। तो सेम इसका भी मेजरमेंट उसी तरह से है जो पहले मैंने पिंक फ्रॉक बताया, उतना ही है लंबा। और इसका भी कटिंग बहुत आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आपको मुड्डे का शेप भी नहीं देना है, बस तीरा निकाल के और गला जितना गहराई आपको डालना है उतना डाल के, और बस ये कॉलर लगा देना है, या तो आप सिंपल पाइपिंग लगा सकते हो, बाकी इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे दो पट्टी लगाई है मैंने, एक ये बड़ी बढ़ती हुई पट्टी लगाई है, एक अंदर दबी हुई पट्टी लगाई है, एक के ऊपर एक, और नीचे से ये नाइफ प्लेट बना के इसको कंप्लीट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आप इसको बनाएंगे और बना के मुझे बताएंगे कि आपको ये कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट करें फ्रेंड्स और मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।